हिमाचल की हॉट लोकसभा सीट हमीरपुर में आज वोटिंग हो रही है। सीट पर कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला है। भाजपा ने यहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से सतपाल रायजादा उम्मीदवार हैं। अनुराग ठाकुर ने अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने की भी अपील की। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं। अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा, और आशा करता हूं सातवें चरण में, सातों चरणों की सबसे ज़्यादा वोटिंग सातवें चरण में हो, जो वोट में तब्दील होना चाहिए। जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है, और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं, तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा।